एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि किस तरह की गैर जिम्मेदार भाषा बोल सकता है और किस सीमा तक बोल सकता है वो आपको देखकर समझा जा सकता है। आज आपका ये जो नया बयान मुझे देखने में और सुनने में आया, ये बहुत पीड़ादायी है। आपने कहा है कि मैं राजनीतिक तौर से हमेशा पास हुआ हूँ, ये मेरा सौभाग्य, इसके लिए आपको मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप राजनीतिक क्षेत्र में हमेशा पास होते रहे। आज का आपका ये जो बयान है, ये मतदाताओं का सीधा सीधा अपमान है, ये गरीब और निर्धन वर्ग का उपहास है। आपने गरीब मतदाता को बेईमान बोला है। आपके बयान का आशय ये है कि गरीब वर्ग का जो मतदाता है वो बिकाऊ है। आपके बयान का आशय ये निकाला जाना चाहिए कि गरीब बस्तियों में जो मतदाता रहता है वो अपना वोट विकास के आधार पर नहीं देता, वो अपना वोट केवल पैसे के कारण देता है, वो अपना वोट केवल दारू के कारण देता है। इस तरह का बयान बहुत निंदनीय है। ये मतादेश का अपमान है, ये जनादेश का अपमान है और लोकतंत्र के अंदर जो निर्णायक होता है वो होता है मतदाता, वो मुल्क का मालिक है।